प्रत्येक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग चैप्टर क्लिक को पढ़ाऊंगी। प्लानिंग में हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इसके बारे में हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लासेस में हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, क्या क्या सिद्धांत हैं, उद्देश्य, सिद्धांत एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में इस क्लास में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में कि उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि प्लानिंग आप पढ़ चुके हैं, पहले पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि कुंटा जो डोनल ने बताया था, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हुम टू डू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। तो इसके उद्देश्य क्या है, आखिर हम ये प्लानिंग करते क्यों हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन टूडेज इवर चेंजिंग वर्ल्ड फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूनिट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड दिस इज अचीव बाय प्लानिंग। आज के इस कंपटीशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले कोई भी डिजायर्ड गोल प्राप्त करना है, फॉर अचीवमेंट डिजायर्ड गोल प्राप्त करने के लिए क्या करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है, प्लानिंग करता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर मेनी एंड वैरीड। जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्लानिंग के उद्देश्य है, वो बहुत सारे हैं। अलग अलग प्रबंधकों ने अलग अलग तरीके से अपने उद्देश्य बताए, अलग अलग तरीके, उद्देश्य तो एक ही है लेकिन उन लोगों ने अपने अपने तरीके से उसके उद्देश्य को डिफाइन किया है। दीज एम्स आर नॉट द सेम फॉर ऑल कंट्री, लेकिन जो ये उद्देश्य हैं वो सभी देशों के लिए समान नहीं है, वो एक देश में हर सिचुएशन के लिए भी समान नहीं हो सकते वो उद्देश्य। जैसे नॉट आर द सेम फॉर द सेम कंट्री एट ऑल टाइम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सभी सिचुएशन के लिए एक देश में भी वो सभी समय के लिए सभी सिचुएशन के लिए परफेक्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आइए हम उन उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है जो इसेंशियल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिजायर्ड एज डिस्क्राइब एज फॉलो। यहाँ जो आवश्यक इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आवश्यक उद्देश्य हैं, उनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। पहला, टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट। ये क्या करता है, जो उद्देश्य प्लानिंग का उद्देश्य नियोजन क्या करता है, ब्रिंग सर्टेनिटी, ये निश्चितता लाता है फ्यूचर इवेंट के को। मतलब फ्यूचर में जो हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, तो फ्यूचर के लिए जो हम प्लान किए हैं उसमें क्या लाता है, निश्चितता लाता है। भावी निश्चितता लाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में हमको क्या करना है ये निश्चित हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन। टू प्रोवाइड, यह क्या करता है, एक विशिष्ट दिशा निर्देश देता है। विशिष्ट दिशा निर्देश कैसे देता है, प्लानिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना है, हम ये क्या एनालिसिस के द्वारा, इवेल्यूएशन के द्वारा हम तय कर लेते हैं कि हमारे लिए ये बेस्ट एंड चीपेस्ट वे है, हमको इसी रास्ते जाना है। तो ये क्या करता है, प्लानिंग ही एक ऐसा टूल है, टेक्निक है, जो हमको क्या करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। फोरकास्टिंग, आप लोगों ने कई बार प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया कि ये फोरकास्टिंग यानी फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है। ये क्या होता है, प्लानिंग इज ए ब्लू प्रिंट ऑफ फ्यूचर, ये फ्यूचर का, भविष्य का एक ब्लू प्रिंट है। नेक्स्ट, भविष्य में क्या कर, फ्यूचर एक्टिविटी, भविष्य में क्या करना है, इसका एक ब्लू प्रिंट है। नेक्स्ट देखिए, टू ब्रिंग इकोनॉमी इन मैनेजेरियल ऑपरेशन। जो मैनेजेरियल ऑपरेशन है, जो प्रबंधकीय कार्य है, जो प्रबंधकीय कार्य है उनमें क्या लाता है, ये मित्र व्ययिता लाता है। मतलब ये बताता है, प्लानिंग हमें बताता है कि किसी भी कार्य को कैसे हम अच्छे और सस्ते तरीके से कर सकते हैं, हाउ कैन डू इट बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, इसको किस तरह से हम कितने सस्ते और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू अटेन प्री डिटरमाइंड गोल। ये क्या करता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं हमारे, जो पहले से निर्धारित लक्ष्य हैं कि हमको ये काम करना है, नेक्स्ट ईयर हमको अपना प्रोडक्शन हाई करना है या नेक्स्ट ईयर हमको ये प्लान बनाना है, तो कोई भी मेरा प्लानिंग हो सकता है, तो उस गोल को प्राप्त करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट, टू गेट विक्ट्री ओवर कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन, कंपटीशन सब तो आज के मार्केट में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, गलाकाट प्रतियोगिता, गलाकाट प्रतियोगिता में जो प्लानिंग है वो एक बिजनेसमैन को पूरे कंपटीशन में विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग के सिद्धांत, किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ उसके आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिसको फॉलो करके हम उस कार्य को सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम लाइक सेवन सीज जो कम्युनिकेशन के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन को, अगर संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना है तो उसके कुछ सिद्धांत हैं सेवन सीज। अगर हम सेवन सीज को फॉलो करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगा। सेम वैसे ही प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इसी तरह प्लानिंग के अगर हम सारे सिद्धांत फॉलो करते हैं तो हमारा प्लानिंग बहुत ही इफेक्टिव होगा। जो प्लानिंग है हमारा वो बहुत ही प्रभावशाली होगा, हमारी योजना बहुत प्रभावशाली होगी। चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। नियोजन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, देयर आर सेवरल बेसिक प्रिंसिपल दैट हैव बीन डिवाइस्ड इन ऑर्डर टू गाइड द मैनेजर्स। ये क्या करता है, ये कई ऑर्डर में डिवाइड है जो गाइड करता है मैनेजर को, क्या व्हेन दे आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स आर, जो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, एंगेज होता है, शामिल होता है, सम ऑफ दीज प्रिंसिपल आर, कुछ प्रिंसिपल यहाँ दिए हुए हैं। जैसे देखिए अलग अलग प्रबंधकों ने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, कि अलग अलग प्रिंसिपल बताए हैं। इसी तरह कुंडा जो डोनल ने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, प्रबंध के सिद्धांत में, उन्होंने 14 सिद्धांत दिए, किसके, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के 14 सिद्धांत दिए। उन 14 सिद्धांत में ये भी है, लेकिन सब कुछ प्रिंसिपल यहाँ दिए गए हैं, जो इसमें से आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंसिपल यहाँ है, बाकी 14 प्रिंसिपल ये इंक्लूड है उनके, कुंटर जो डोनल के प्रिंसिपल में ये भी इंक्लूड है, बाकी 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिया है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के योगदान का सिद्धांत, उद्देश्यों के योगदान का सिद्धांत। प्लानिंग में उद्देश्यों का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब तक उद्देश्य नहीं निर्धारित है तब तक हम प्लानिंग उसके बारे में नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस, यानी परवेसिवनेस मतलब ऑल लेवल, सभी लेवल पे प्लानिंग जरूरी होता है, सभी लेवल पे। एक ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है तो उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट होगा, तो सभी लेवल पे प्लानिंग को फॉलो करें, प्लानिंग के बारे में निरीक्षण करें या प्लानिंग को इन्वेस्टिगेट करें, इवेल्युएट करें, सबके लिए जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग को फॉलो करें, लो लेवल ना करें और बाकी टॉप लेवल, मिडिल लेवल करता है, तो ऐसे प्लानिंग कभी भी सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत है और लोकशीलता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कैसे है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो कभी ना, जैसे जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वही कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया, तो प्लानिंग भी निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अगर हम एक प्लान करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम उस प्लान पे, ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग करने के बाद फिर उसको भूल जाएंगे और नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, तो उसके लिए छोटे छोटे प्लान हमको बीच में कंटिन्यूअस करते रहने ना पड़ेगा, जब तक हम ऑब्जेक्ट डिजायर्ड गोल तक पहुंच नहीं जाते, निर्धारित लक्ष्य तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक हमको क्या करना होगा, छोटे छोटे प्लान उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस बड़े प्लान को पूरा करने के लिए करते रहना पड़ेगा। तो ये इसलिए इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत यानी निरंतरता का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, लोकशीलता का सिद्धांत। लोकशीलता का सिद्धांत क्या, क्यों कहते हैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी, हमेशा प्लान, जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसके साथ एक प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए, कि अगर ये फेल होता है किसी भी कंडीशन में या किसी सिचुएशन में या किसी स्टेप पे जाके फेल होता है हमारा प्लानिंग, तो हम प्लान बी उसमें शामिल कर सकें। अगर हम उसकी जगह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाते हैं, कोई रिजिड रूल या टफ रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं अपने प्लानिंग में, या एक सिंपल सिंगल प्लान बनाते हैं और उसी को फॉलो करना है, अगर वो कहीं भी टूटा या कहीं भी अनसर्टेनिटी आई और बिजनेस में अनसर्टेनिटी रिस्क
बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी आई तो क्या होगा कि वो हमारा रिजिड टफ प्लान फेल हो जाएगा और हम अनसक्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लानिंग इज हायरार्चियल इन नेचर। ये क्या होता है? हायरार्ची नेचर का होता है, जो प्लानिंग होता है वो हायरार्ची नेचर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लानिंग शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड। यह क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड होता है, इसको कहीं ना कहीं नोट करना होता है, लिखना होता है। जो प्लानिंग होता है ऐसे नहीं होता है कि बस हमने सोच लिया वो हो गया प्लानिंग, ऐसा नहीं होता। वो क्या होना चाहिए? उसमें वचनबद्धता का सिद्धांत, जैसे कुंटा जो डोनल ने अपने सिद्धांत में बहुत सारे 14 सिद्धांत में सभी को एक एक को डिफाइन कर दिया है। उन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट का सिद्धांत, जो वचनबद्धता होनी चाहिए उसमें, उसी से मिलता जुलता डॉक्यूमेंटेड। अगर हम कोई चीज डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं, उसको रिटन फॉर्म में रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो वचनबद्धता के तौर पे उसको कभी भी हम प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह ये प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ये भी प्लानिंग के ही सिद्धांत हैं कि किसी भी प्लानिंग में कोऑपरेशन होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं, उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोऑपरेशन नहीं है तो वो प्लान सक्सेस नहीं होगा। बहुत और है, कुंटा जो डोनल ने दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क भी नीति जो होता है, नीति पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी सिद्धांत इसको कहते हैं। इस तरह से ये रहे हमारे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग प्रोसेस, आप सब लोग जानते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है, किसी भी कार्य के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। अगर हम उस स्टेप से होकर नहीं चलते या स्टेप से होकर अंतिम प्रोसेस तक नहीं पहुंचते हैं, तो बीच में कहीं भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, कहीं भी अनिश्चितता आ सकती है। तो प्रोसेस यानी प्रोसेस बताता है कि हम किस रास्ते से चले, वो डायरेक्शन बताता है कि किस रास्ते से हम चलें कि हम अंतिम प्रक्रिया तक आसानी से पहुंच जाएं। तो इसी को कहते हैं हम प्रक्रिया चरण। अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। सब लोग जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम अंतिम प्रक्रिया तक कैसे पहुंचते हैं, अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं। प्लानिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। मतलब प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप हैं जिनको हम ले सकते हैं। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एंड ए कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। यह क्या है प्लानिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है यानी मेंटल एक्सरसाइज है। एंड ए कॉन्शियस डिटर्मिनेशन, और कॉन्शियस डिटर्मिनेशन है कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखते हैं, देयरफॉर इट रिक्वायर्स ए सीरियस थॉट ऑफ ऑन न्यूमरस फैक्टर नेसेसरी टू बी कंसीडर्ड इन मेकिंग प्लान। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, न्यूमरस फैक्टर हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं प्लान बनाने में। तो प्लान बनाने में फैक्ट आर कलेक्टेड एंड एनालाइज एंड द बेस्ट आउट ऑल द चूजन एंड एडॉप्टेड। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे हम विकल्प चुनते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और एडॉप्ट कर लेते हैं उसको। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग देम। जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है क्या, सेटिंग अप द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ही आपका प्रोसेस है प्लानिंग का कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य निर्धारण करना। जब तक, इसके पहले भी मैंने बताया, जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तब तक आप किसकी प्लानिंग करेंगे। कुछ जब तक पता नहीं है आपको कि क्या करना है, आपको गोल नहीं पता है, तो आप लक्ष्य प्लानिंग नहीं कर सकते। एंड एलोकेटेड ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग देम, और क्या करना है हमको, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको एलोकेट करना है किसको, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। देखिए, अलग अलग प्रबंधकों ने अलग अलग स्टेप बताए हैं, किन्हीं ने 6 स्टेप बताए हैं, किन्हीं ने जैसे डोनल ने बताया है कि 8 स्टेप होते हैं। लेकिन प्रत्येक कार्य के लिए, योजना छोटी भी हो सकती है बड़ी भी, तो सबके लिए एक जैसा प्रोसेस फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस है 7 स्टेप, जो 7 मेन स्टेप हैं जो प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं,
वो है यहाँ देखिए, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो किसी भी प्लान के लिए ये काम करेंगे, ये जो प्रोसेस है ये किसी भी प्लान के लिए काम करेंगे। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करना, किसी भी प्लान का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर एम्प्लॉई सबको उस लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। पहला स्टेप। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना, समझिए कि क्या करना, पर्यावरण का एनालिसिस करना, अपने कंपटीटर के बारे में जानना, अपने कस्टमर के बारे में जानना, अपने सप्लायर्स के बारे में जानना, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जानना। तो इन सब के बारे में जब तक हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। बिना इन्वायरमेंटल एनालिसिस के हमारे कस्टमर किस टाइप के हैं, कौन हैं, कंपटीटर कितने सारे हैं, क्या हमने प्लान किया है कि हम अपना डबल प्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो क्या ये पॉसिबल है बिना इन्वायरमेंटल एनालिसिस के? नहीं पॉसिबल है। तो दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस का। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। जो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास विकल्प है उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हम। जो हमारे पास विकल्प है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जो जिसके लिए हम प्लानिंग करना चाहते हैं। जैसे हमने प्लान किया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य था कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, दूसरा हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, हमने इन्वायरमेंट का अध्ययन किया कि क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कितना कैपिटल लगाना होगा, कितना हमको उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा हमको, ये सारे हम क्या करेंगे, और उसमें कितने सारे, उस मार्केट में कितने कंपटीटर हैं, कैसा मार्केट है, मार्केट का एनालिसिस करेंगे, कस्टमर किस टाइप के हैं, कस्टमर का एज, इनकम, वहाँ की स्थिति क्या है। तो ये सारे हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस में इनका अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। अब हम चूज करें अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई करेंगे, खोज करेंगे किसका, अल्टरनेटिव का, विकल्प का। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं, कोई कपड़े का शॉप खोल सकते हैं, ज्वेलरी का शॉप खोल सकते हैं। तो हमारे पास ये कई सारे विकल्प हैं, आइडेंटिफाई हुए अल्टरनेटिव। हमारे पास ए ऑप्शन है कि हम कपड़े का दुकान खोल रहे हैं, बी है हमारे पास कि हम ज्वेलरी शॉप खोल रहे हैं, सी है हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉप खोल रहे हैं, और डी है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास डी है कि हमने क्या किया, एक एजेंसी ले लिया, कोई बाइक की एजेंसी ले लिया। तो ये हमारे पास चार विकल्प हैं, हमने इन चार विकल्पों को की खोज की कि इस मार्केट में हम ये चारों में से कोई बिजनेस कर सकते हैं। हमने क्या किया, इवैल्यूएटिंग। अब हमको क्या करना है, प्लानिंग करते समय ये बातें ध्यान देनी है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। अब हमको इनकी, जो अल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिया है, इनकी हमको जांच करनी है, ये सारे अल्टरनेटिव की हमको जांच करनी है। अब हम ये जांच करेंगे कि हम डी बिजनेस करते हैं, अगर हमने एजेंसी ली तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। पहले प्रॉफिट लॉस होना ही सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले, लेकिन बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो सबसे हम क्या करेंगे, डी के बारे में हम क्या करेंगे, डी को इवैल्यूएट करेंगे कि हम कितनी आसानी से, हमारे पास कितना कैपिटल है, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, ये हम इवैल्यूएट करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग डी हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है। फिर हम ए को भी इवैल्यूएट करेंगे, ए हमारा मान लीजिए क्लोथ, कपड़े का शॉप है, तो हम कपड़े के शॉप के लिए भी कितना हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारे पास कितना अभी है, कितना फाइनेंशियल रिसोर्स, कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास इतने पैसे आ सकते हैं, ये सारा हम क्या करेंगे, इनकी सबकी जांच करेंगे कि कपड़े का बिजनेस खोलने में कंपटीटर कितने हैं, उनके कस्टमर कैसे हैं उनके, तो ये जांच करेंगे हम, इवैल्यूएट करेंगे। बी को भी इसी तरह इवैल्यूएट करेंगे कि ज्वेलरी शॉप खोलने में क्या क्या हमको परेशानियां आएंगी, क्या क्या हमारे पास इसके स्ट्रेंथ हैं, शक्तियां हैं कि हम उनको खोल सकते हैं। सी को भी हम इवैल्यूएट करेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉप अगर खोलते हैं तो हमको क्या फायदा नुकसान है, कितने हमारे कस्टमर हो सकते हैं, ये हम इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इन सब में हमको ये लगा
कि हमारे कस्टमर सबसे ज्यादा आएंगे। इलेक्ट्रिक शॉप अगर मैं खोलता हूँ या खोलती हूँ तो सबसे ज्यादा कस्टमर हमारे इलेक्ट्रिक शॉप पे आएंगे। इलेक्ट्रिक शॉप ज्यादा नहीं है, उसके कंपटीटर मार्केट में नहीं है, उसके लिए कोई पॉलिसी भी ऐसी चेंज नहीं होने वाली है, उसमें टैक्स हमको कम देना है। तो ये सारी चीजें अपने बेनिफिट में जो भी हमको लग रहा है कि हमको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट किया था हमने, उससे हमको ये लगा कि सी हमारे लिए बेस्ट है, सी बेस्ट है। लेकिन सी के बाहर हमको लगा कि अगर सी नहीं चलता इलेक्ट्रिक शॉप तो हम उसी शॉप में कपड़े का शॉप खोल सकते हैं। तो सी के बाद हमने क्या किया, अगर सी हमारा फेल हो गया, नहीं चला, तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमको नुकसान तो सहना पड़ेगा। बिजनेस चेंज करेंगे तो प्लान चेंज कर रहे हैं तो नुकसान तो सहना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे हम, सी के बाद ए को हमने इवैल्यूएट किया कि सी के बाद ए की जगह है, हमने इसमें से दो को चुन लिया। अब देखिए जो बेस्ट है इसमें वो सी है, तो हम क्या किए, सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी सी को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम सी को इम्प्लीमेंट किया, सी को आगे बढ़ाया, सी को आगे बढ़ाया। इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया हमने, इसी में इम्प्लीमेंटेशन किया कि अब हमको इसमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन, अब हम फॉलो कर लेंगे कि इसी प्लानिंग को फॉलो कर लेंगे। ये जो सी है ये हमारा फाइनल हो गया, तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, जो ऑब्जेक्टिव आपने देखा अभी। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो प्लानिंग के नियोजन के सिद्धांत है आप किसी के अनुसार लिख सकते हैं, कुंटा जो डोनल के अनुसार 14 सिद्धांत उनके लिख सकते हैं, या जो भी सामान्य सम कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जनरल प्रिंसिपल है तो उनको लिख सकते हैं। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये जनरल प्रोसेस भी है, जो प्रक्रिया आपको बताया है वो सामान्य प्रक्रिया है जो सबके लिए फॉलो होता है, उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।